आगरा में सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज के ऐप को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। थाना सदर छावनी में एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आत्महत्या करने वाला युवक छावनी में किराए का मकान लेकर रह रहा था। थाना सदर चावली में 22 साल के 22 नाम के युवक ने फंदे से लटक कर आत्महत्या कर ली। दरवाजा तोड़कर पुलिस ने लाश को पंखे से नीचे उतारा। महेश सुबेदार मुरारीलाल के घर के ऊपरी हिस्से में एक कमरा लेकर रह रहा था और ड्राइवरी का काम करता था। यहाँ पे ये लड़का किराए पे रह रहा था 2-3 साल से। तो पहले मेरे भाई के मकान में महेश इसका नाम था। किसी टूरिस्ट गाड़ी के ऊपर चलाता था, किसी गाड़ी को बस चला, ड्राइवर था ये पता नहीं। इसके माँ बाप कहीं यहाँ पास में रहते हैं, मधुनगर उसमें ताल फिरोज गाँव में। अब ये रात को किस समय इसने लगाया, रात को ये अंदर सोया है और सोने के बाद सुबह लटका मिला है। हाँ, तो ये बगल वाले जो मकान मालिक है, इन्होंने सुबह फ़ोन किया था। हाँ, मकान इस मकान मालिक को, ये बगल पड़ोसियों ने कि भाई ऐसे ऐसे आपका जो मकान में वो लड़का था, वो गेट बंद है उसका बाहर अंदर से, और वो अभी तक बाहर खुला नहीं है। तो फिर वापस आया तो वो पुलिस को वहीं से इन्फॉर्म करके साथ ही लेके आया, क्योंकि 112 110 100 नंबर पे और किसी ने उठाया नहीं फ़ोन। तो सीधा पुलिस चौकी पे गया और वहाँ से उनको इन्फॉर्म किया और फिर साथ पुलिस ले गया। पुलिस ने आके फिर ये गेट तोड़ा है, तो पंखे से लटका मिला उनको। महेश का परिवार पास से स्थित ताल फिरोज खां में रहता है। महेश नशे का भी आदी था। राकेश कनौजिया, सी न्यूज़ आगरा।